बचपन एक ऐसी चीज़ होती है जो जितनी लंबी चले उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये वो लम्हे होते हैं जो ज़िंदगी की किसी भी लम्हे से लाख गुना अच्छे होते हैं। ना पैसे की फिक्र, ना दुनियादारी की कदर, बस कुछ ही चीज़ें दिखती हैं और वो है मासूमियत और शरारत। और कहते हैं इंसान अपने बच्चों के बचपन के साथ फिर से एक बार वही ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, पर जनरेशन गैप और डिफरेंसेस इन थॉट्स इस बार उसकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल मचा देते हैं और पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है। मेरा नाम है अंकुश और आज मैं अपने चैनल बॉली फ्राइडे पे लेके आया हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई इंग्लिश मूवी यस्टरडे का हिंदी में रिव्यू। ये रिव्यू हिंदी में इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है ये मूवी हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी मुस्कराहट ला सकती है और आप इसे हिंदी डबिंग के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी को आप अपने आप से, अपने भाई बहनों से या फिर अपने पेरेंट्स से या फिर बच्चों से किसी ना किसी से रिलेट कर सकते हैं। ये मूवी करीबन 1.5 घंटे की है जो कि एक रोलर कास्टर फन राइड है और आप बिना दिमाग पर जोर लगाए इसे ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आज मैं इस मूवी की कमियों के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मूवी आपको अपने बचपन से मिलाने की कोशिश करती है और उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर शॉर्ट में स्टोरी को समझाऊं तो ये स्टोरी एक मॉडर्न एज कपल की है जिनके 3 बच्चे हैं 4 से 14 साल के और उनकी मम्मी काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेके। उसकी यही आदत उसे एक क्रिमिनल बना देती है अपने बच्चों के सामने। अब मज़े की बात यह है कि मम्मी एज अ पेरेंट अपनी ओरिजिनल नेचर से बिल्कुल उल्टी है और एंड के होते होते बच्चों को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी मम्मी वो नहीं है जो वो समझते थे। बच्चों से करीब आने के लिए पेरेंट्स एक यस्टरडे अनाउंस करते हैं जहां वो अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, पर हाँ यस्टरडे को जीतने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। और यस्टरडे के दौरान ये फैमिली क्या क्या धमाल मचाती है आप इसे इस फिल्म में देख सकते हैं। इस फिल्म का सोल है इसकी मासूमियत और पूरी फिल्म के दौरान आप सिर्फ मस्ती ही मस्ती देखेंगे जो कि लॉकडाउन और कोविड के माहौल में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। ये फिल्म पेरेंट्स और बच्चों के लिए मस्ट वॉच है क्योंकि इसमें पेरेंटिंग को काफ़ी पहलुओं को टच किया गया है जो कि आज के दौर में एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। एक और बात यह है कि ऐसी क्लीन फैमिली मूवी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। सारे करेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। तो वेट किस चीज़ का है, पॉपकॉर्न उठाइए और देख डालिए फैमिली के साथ ये मूवी यस्टरडे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना फीडबैक। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।